हेलो जिज्ञासु पीपल, हम सब का कोई न कोई सपना जरूर होता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसका कोई सपना ना हो। फिर तो दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का भी कोई ना कोई सपना जरूर होगा। लेकिन अब सवाल ये है कि वो किस चीज का सपना देखते होंगे। साइंस फिक्शन और इमेजिनरी वर्ल्ड को हकीकत में उतारने के कॉन्सेप्ट पर चलने वाले एलन मस्क के थॉट्स केवल सपनों के लेवल पर नहीं है, बल्कि कई आइडियाज हकीकत में भी कर चुके हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानेंगे टॉप 5 ड्रीम्स ऑफ एलन मस्क। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एलन मस्क को लोग 21वीं सदी का सबसे बड़ा क्रांतिकारी विजनरी यूं ही मानते हैं। हाइपरलूप जैसी फ्यूचर ट्रेन इन्होंने बनाई और एलन मस्क मंगल पर इंसानी शहर बसाना चाहते हैं। न्यूरोलिंक के जरिए इंसान के दिमाग को मशीनों और स्मार्टफोन से जोड़ना चाहते हैं और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसान के जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं। नासा के लिए एलन मस्क की कंपनी ने क्रू ड्रैगन कैप्सूल बनाई, जिसके जरिए पहली बार इंसान के लिए अंतरिक्ष की कमर्शियल जर्नी की शुरुआत हुई और इस तरह इंसान के लिए अंतरिक्ष की सैर यानी स्पेस टूरिज्म की राह खुल गई। एलन मस्क को टाइम ट्रेवल की कॉन्सेप्ट ने बहुत प्रभावित किया है। 2018 में एलन मस्क ने ऐलान किया कि इस बात की 70% चांस है कि मैं जल्द मंगल ग्रह पर मूव कर जाऊंगा। एलन मस्क का मानना है कि वो रॉकेट टेक्नोलॉजी के जरिए एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक की यात्रा को आसान बनाना चाहते हैं। धरती से मंगल ग्रह, चांद तक, इसके आगे की पहुंच भी इंसान के लिए टेक्नोलॉजी के जरिए वे आसान बनाने की दिशा पे काम कर रहे हैं। ये केवल सपना नहीं है, बल्कि इस दिशा में एलन मस्क ने खुद को साबित करके भी दिखाया है। और इसके लिए साल 2002 में एलन मस्क ने स्पेसएक्स कंपनी स्थापना की। 2020 में स्पेसएक्स किसी इंसान को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी। स्पेस टूरिज्म सेक्टर में एलन मस्क की स्पेसएक्स को जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन से कड़ी टक्कर मिल रही है। 2023 में स्पेसएक्स जापानी अरबपति युसुकु मेजावा समेत 8 लोगों को स्पेस टूरिज्म कराने की तैयारी में है। स्पेसएक्स की फैल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट अंतरिक्ष टूरिज्म की दिशा में एक और नया कदम था। इससे रीयूजेबल रॉकेट का दौर शुरू हुआ, यानी ऐसे रॉकेट जो एक बार मिशन पूरा होने के बाद नष्ट ना हो बल्कि फिर से यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सके, बिल्कुल एरोप्लेन की तरह। इस टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष की सैर और रॉकेट प्रोजेक्ट काफी सस्ते हो सकते हैं। इंसान कब तक मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसा चुका होगा? एलन मस्क ने ट्विटर पर इस सवाल का जवाब दिया, साल 2029 तक। एलन मस्क की भविष्यवाणी है कि साल 2060 तक लाखों लोग मंगल ग्रह पर रह रहे होंगे। एलन मस्क का मानना है कि धरती के साथ साथ हमें एक मल्टी प्लेनेटरी दुनिया को रचना चाहिए। इंसान केवल धरती पर ही क्यों रहे? अगर किसी बाहरी ताकत से धरती को खतरा होता है तो ऐसे हालत में इंसानों का अस्तित्व तो नहीं मिटेगा। एलन मस्क चांद और मंगल ग्रह पर पूरा शहर बसाना चाहते हैं। इसके अलावा अपनी स्पेसएक्स कंपनी के जरिए वे धरती और मंगल ग्रह के बीच आवाजाही के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस भी खड़ा करना चाहते हैं, ताकि इन ग्रहों के लिए लगातार फ्लाइट चले। सोचिए कि आपके दिमाग के साथ एक चिप कनेक्ट हो जाए जो आपके ब्रेन को हील करे, उसकी मेमोरी को सेव करे, बिल्कुल आपकी यादगार तस्वीरों की तरह, जो आपके ब्रेन के अंदर हुई इंजरी को भी रिपेयर करे। कैसा रहेगा कि आप जो सोचे वो ईमेल या मैसेज की तरह खुद टाइप हो जाए और वो संदेश सामने वाले तक खुद चला जाए। इंसान के पास समय ही समय हो और उसके काम करने की स्पीड सैकड़ों गुना बढ़ जाए। जब एलन मस्क ने ये कॉन्सेप्ट रखा था तब वैज्ञानिकों ने इस पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन मस्क डटे रहे और उनकी कंपनी न्यूरालिंक ने इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल भी शुरू कर दिया। साल 2016 में एलन मस्क ने न्यूरालिंक कंपनी की स्थापना की। ये इंसान के दिमाग और कंप्यूटर के इंटरफेस को विकसित करने की दिशा में काम करती है। इसके लिए एलन मस्क मशीनों और स्मार्टफोन को इंसान के दिमाग से जोड़ना चाहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने के लिए साल 2015 में एलन मस्क ने ओपन एनआई की स्थापना की। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इंसान के जीवन को आसान बनाने के उपायों पर रिसर्च करने की वाली संस्था है। हालांकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट को लेकर आने वाले खतरे से भी एलन मस्क आगाह करते हैं, बल्कि 2014 के एक ट्वीट में एलन मस्क ने एआई को परमाणु हथियारों से भी खतरा बताया। सोचिए आप कार में बैठे हो और कार चलाते हुए आपको नींद में सोने की भी सुविधा मिल जाए। एलन मस्क सेल्फ ड्राइविंग की टेक्नोलॉजी पर पूरा जोर देते हैं और एलन मस्क ने कहा है कि जल्द ही टेस्ला की भी कारें सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी वाली होगी। टेस्ला की टेक्नोलॉजी का जलवा ऐसा है कि आज दुनिया में कोई भी कार लॉन्च होती है तो उसमें टेस्ला वाली फीचर्स होने का दावा करना कोई भी कंपनी नहीं भूलती। साल 2017 में एलन मस्क ने भविष्यवाणी की थी कि 10 साल में अधिकांश कारें इलेक्ट्रिक कारें होगी और आज 5 साल बाद पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों की लॉन्चिंग बहुत ज्यादा हो रही है। आज जब दुनिया प्रदूषण से मुक्ति और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक कारों की ओर बढ़ रही है, तो वही इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में कोई भी कंपनी टेस्ला के मुकाबले कहीं नहीं ठहरती। अब एलन मस्क का अगला ऐलान है कि उनकी कंपनी की हर कार सेल्फ ड्राइविंग कार होगी। इस दिशा में उनकी कंपनी को तेजी से सफलता भी मिल रही है। हम सब इलेक्ट्रिक कार की बातें करते हैं, लेकिन एलन मस्क इलेक्ट्रिक प्लेन की बात करते हैं। एलन मस्क कहते हैं कि अभी हम जमीनी ट्रांसपोर्ट को क्रांतिकारी तरीके से बदलने में लगे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक प्लेन का सपना भी एक दिन पूरा होगा। इसके लिए बैटरी की टेक्नोलॉजी पर और काम करने की जरूरत अभी होगी।
एलोन मस्क वैक्यूम टनल में चलने वाली ट्रेन को दुनिया में आम कर देना चाहते हैं, जिससे यात्रा की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। इसके लिए हाइपरलूप ट्रेनों के कॉन्सेप्ट पर उनकी कंपनी काम कर रही है। हाइपरलूप ट्रेनें 1200 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी प्लेन से भी तेज। मतलब कि कुछ घंटों में ही आप दिल्ली से मुंबई और मुंबई से कोलकाता तक की यात्रा कर पाएंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत में भी जल्द ही हाइपरलूप ट्रेनें चलेगी। अगर आपको हाइपरलूप ट्रेन पर डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कॉमेंट करके बताएं। अपनी इन क्रांतिकारी योजना और आइडियाज के कारण आज एलोन मस्क सबसे आगे हैं। एलोन मस्क जोखिम लेने से नहीं डरते, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या प्रयोग के तौर पर। 2008 की आर्थिक मंदी में उनकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ, लेकिन वह हालात को संभालने में कामयाब रहे। स्पेसएक्स के लिए रॉकेट खरीदने जब एलोन मस्क रूस गए तो उन्हें भारी कीमत के चक्कर में अपना प्लान बदलना पड़ा। फिर भी एलोन मस्क ने हार नहीं मानी और खुद रॉकेट साइंस की पढ़ाई की और खुद का रॉकेट विकसित किया। स्पेसएक्स के पहले तीनों रॉकेट लॉन्च में फेल हो गए, लेकिन एलोन मस्क ने हार नहीं मानी। आज उनके रॉकेट नासा भी इस्तेमाल करता है। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म आयरन मैन की हीरो टोनी स्टार का कैरेक्टर एलोन मस्क से प्रभावित है। एलोन मस्क कहते हैं कि जो चीजें साइंस फिक्शन या फिल्मों में कल्पना के तौर पर पेश की जाती है, वह हमेशा साइंस फिक्शन ही ना रहे, वो आपकी और हमारी जिंदगियों में मौजूद हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने हमारी आयरन मैन सूट इन रियल लाइफ वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाइए और देखिए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।